बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की हाँ। देखिए मनपसंद रचना, एक छोटी सी महाराज दिलीप जिनके कोई संतान नहीं थी और गौ माता की सेवा से जिनको संतान की प्राप्त हुई होती है वही कथा आपके सामने पेश है। तो गौ माता की सेवा करी सुनो दिलीप महाराजो, निसंतान वो भूप थे समझ सके नहीं राजो। और वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बताते हैं कि आप इस गौ माता की नंदिनी की सेवा कीजिए, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और क्या हुआ देखिए। ए माई सेवा करें भरपूर, ए माई सेवा करें सुनो गौ माता के माई सेवा करे भरपूर, सुनो गौ माता के माई सेवा करे भरपूर, सुनो गौ माता के। गौ माता की, गौ माता की, नंदिनी को लेकर राजा दिलीप जंगल में चलाने जाते हैं। और क्या होता है, ए राजा सुनो दिलीप चराने जंगल जाते, राजा सुनो दिलीप चराने जंगल जाते, राजा सुनो दिलीप चराने जंगल जाते। और तन मन से सेवा करते हैं, नंदिनी के चरणों में शीश भी झुकाते हैं। लेकिन हुआ एक दिन क्या देखिए, अरे एक दिन की है दास्ता और निकले काफी दूर, महाराज दिलीप की परीक्षा लेना चाहिए। ये मेरी तन मन से सेवा कर रहे हैं, ऊपर ऊपर कर रहे हैं। लेने पर किचा भूप की मैया सेवा रची भरपूर, सुनो गौ है मैया नाम काम धेनु की नंदिनी। माया को एक सिंह मात ने तुरंत बनाया, और अरे हमला गौ पर करो भूप ने धनु से उठाया, महाराज दिलीप तो होता क्या देखिए भैया। अरे बाण चलाने के लिए ए राजा भय तैया, स्तंभित हो जाता है, हिलता डुलता भी नहीं और नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लगी। अकड़ गया सारा बदन,
महाराज दिलीप अपना धनुष बाण छोड़कर साष्टांग हो जाते हैं और कहा इस गौ माता को छोड़िए, भले आप मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन गौ माता तो परीक्षा ले रही थी। सिंह भी अंदर ध्यान हो जाता है और गौ माता प्रसन्न होती और क्या होता देखिए। हाँ ये गौ माता खुश हो गई, अरे बोली बचन बिछा प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, तुमको संतान की प्राप्ति होगी, राजा रानी मिलकर मेरे दूध का पान कीजिए। राजा दिलीप के यहाँ महाराज रघु का जन्म होता है, रघु के अज होते हैं अज के महाराज दशरथ और दशरथ जी के यहाँ चक्रवर्ती दशरथ जी के चारों पुत्र परमात्मा का अवतार होता है। एक कथा का सार है। अब एक भारत रत्न प्राप्त हो किसी भी महापुरुष की जीवनी आपके सामने पेश है और क्या कहना है। भारत में पैदा हुए कई एक महापुरुष गुणवान, चरणों में करते नमन करते हैं गुण, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाड़ियाबाद गुजरात में हुआ। इनको अखंड भारत के निर्माण में विशेष सहयोग रहा और कई एक जो रियासतें थी उनको भी अपने भारत में मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उनको नोबल भारत रत्न का जो पुरस्कार है मरणोपरांत सन 1991 में प्राप्त हुआ। यही कथा आपके सामने पेश है और क्या कहना है। हेलो ए सरदार पटेल, ए सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल और लोहे पुरुष, ए भैया जिनको लोह पुरुष की उपाधि भी मिली, और लोहे पुरुष से भाई हो सरदार पटेल, लोहे पुरुष से भाई हो सरदार पटेल, लोहे पुरुष से भाई हो जान सकल जहान, जान सकल जहान, लोह पुरुष से भाई हो।
से 600 लगभग रियासतों को इन्होंने जो समझाने की योग रहा उसको समझा कर प्रेम से, जो नहीं माने उनको धमकी से बंदूक की नोक पर अपने हिंदुस्तान में विलय किया। ऐसे हमारे सरदार पटेल हुए। हो समझा बुझा और प्रेम से रे अपने भारत में जिनको मिलाया, समझा बुझा और प्रेम से रे सब लय मिला। सबको हिंदुस्तान मिला लिया। सुमर सुमर गाथा गाए अरे सब अब कहीं न जाए